देखिए, ठीक है, तो देखिए मिनट राइटिंग, समझ रहे हो ना, मिनट राइटिंग मतलब क्या हो गया, आज पूरा मिनट राइटिंग का आप लोग फॉर्मेट लिखने जा रहे हैं कि मिनट राइटिंग कैसे करेंगे, मिनट में क्या लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे। तो पहले तो ये आपको ये जानना होगा मिनट होता क्या है, तो उससे भी पहले आपको ये जानना होगा एजेंडा क्या होता है। तो हमने आपको नोटिस में पढ़ाया था कि एजेंडा मतलब क्या होता है, एजेंडा रेफर्स टू द मैटर्स दैट आर टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग। एजेंडा में क्या होता है, एजेंडा में हर उस चीज़ को दिखाते हैं जो हम लोग मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं। तो एजेंडा हमेशा फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है, बट या नोटिस हमेशा फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है, बट मिनट हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। तो एजेंडा में क्या रहता है कि मीटिंग में क्या क्या होगा, और मिनट में क्या होता है, मीटिंग में क्या क्या हो गया। तो जो भी चीज़ आप मीटिंग में डिस्कस किए हैं उसको जिस जगह पर लिखिएगा उसको बोलते हैं मिनट। सवाल ये है कि ये क्यों बनाया जाता है, तो देखिए मिनट इसलिए बनाया जाता है, जैसे मीटिंग में बहुत सारी चीज़ डिस्कस होता है, अब इंसान का बोली का कोई दाम नहीं है, बाद में बोलेगा नहीं हम ये बात तो बोले ही नहीं थे। इसलिए जो भी डिसीजंस पास होते हैं ना मीटिंग में सबको एक रजिस्टर में लिख लिया जाता है और उसको बोलते हैं हम लोग मिनट बुक। कौन सा बुक बताइए, मिनट बुक। मिनट बुक रेफर्स टू दैट बुक विच कंटेन्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग्स दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। हाँ, मीटिंग का प्रोसीडिंग्स इसमें रहता है जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ उस सब इसमें लिखा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, मिनट बुक। कौन सा बुक बताइए, बोलिए ना कौन सा बुक, यस मिनट बुक। मिनट बुक में जो जो चीज़ हो गया है ऑलरेडी मीटिंग में उसको हम लोग शो करते हैं, कौन सा बुक में बताइए, मिनट बुक। कौन सा बुक बताइए, बोलिए ना, तो मिनट बुक। तो मिनट बुक इज द रजिस्टर दैट कंटेन्स द डिटेल ऑफ ऑल द प्रोसीडिंग्स दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द मीटिंग। मीटिंग में जो भी चीज़ डिस्कस हो गया है उसको हम लोग कहाँ पर लिखते हैं बताइए, मिनट। कहाँ लिखते हैं बताइए, मिनट। अब थोड़ा आगे चलते हैं, मिनट बनाएंगे कैसे, तो फॉर पहले जब एग्ज़ाम में बनाइएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा का एग्ज़ाम में जब बनाइएगा, पहले क्या करिएगा, चारों तरफ से लाइन टान लीजिएगा, लाइन टान के नीचे वाला छोड़ दीजिएगा क्योंकि नीचे वाला तो पता नहीं कितना होगा। कोई भी चीज़ ड्राफ्टिंग का एक स्टाइल होता है कि आप ये कोशिश करेंगे ना कि हम एक पेज में ही लिख ले, याद रखिएगा ड्राफ्टिंग में आप ये कोशिश करेंगे कि आप कैसे लिख ले बताइए, एक पेज में लिख के ख़त्म कर ले। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा के हिसाब से ही आपको पढ़ा रहे, अलग अलग एग्ज़ाम के हिसाब से अलग अलग लेवल होता है, हम लोग का यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा के एग्ज़ाम के हिसाब से कैसे लिखने का है वो आपको हम बता रहे। तो उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्लोज़ कर दी, क्लोज करके ऊपर वाला पार्ट में क्या क्या लिखते हैं आपको पता ही होगा, कंपनी का नाम ABC लिमिटेड, एड्रेस कुछ भी एड्रेस लिखते हैं, 229G PG रोड, PG मतलब पिकनिक गार्डन रोड, बस PG रोड कोलकाता, कोलकाता क्या 39। अब देखिए उसके बाद इस तरफ क्या क्या होता है बताइए, फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल, फैक्स और क्या बाबू, ईमेल, क्लियर है। देखिए ऐसे लिखेंगे, स्टार्ट कर रहे, मिनट्स ऑफ डैश मीटिंग, डैश मीटिंग मतलब मीटिंग का नाम, बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग, ऐसे क्वेश्चन में लिख दिया ड्राफ्ट अ मिनट ऑन 5th बोर्ड मीटिंग, तो 5 नंबर बोर्ड मीटिंग, तो मिनट्स ऑफ, उसके बाद कौन सा मीटिंग है, नेम ऑफ द मीटिंग, नेम ऑफ क्या बाबू, मीट, ये जो मीटिंग है आपका उसका नाम क्या है, मिनट्स ऑफ द डैश मीटिंग, मिनट्स ऑफ द डैश मीटिंग हेल्ड ऑन डैश डेट डैश टाइम एट, देखिए तो यहाँ पर देखिए मिनट्स ऑफ द डैश मीटिंग हेल्ड ऑन डेट टाइम और क्या बाबू, प्लेस, डेट टाइम और क्या बाबू, प्लेस ऑन डैश, कौन सा दिन इज गिवन, हो गया मिनट्स ऑफ द नेम ऑफ द मीटिंग, नेम ऑफ द मीटिंग लिख दिया, जैसे मान लीजिए 5 नंबर बोर्ड मीटिंग, आप कैसे लिखेंगे, मिनट्स ऑफ 5th बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 10 तारीख, मान ली 10th जुलाई एट 10 AM, 10th जुलाई एट कितना AM बताइए, 10 AM एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। यहाँ प्लेस की जगह पे ना बेटर क्या होगा, प्लेस की जगह पे ये बेटर यही होगा कि आप हमेशा यही लिखिए। देखिए कैसे लिखेंगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग हेल्ड ऑन डेट टाइम उसके बाद ऑन यहीं पे लिख दे रहे, ऑन कितना था, कौन सा दिन, तो मान लीजिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी लिख दीजिएगा, मंडे एट रजिस्टर्ड ऑफिस, क्योंकि आपको लिखना नहीं पड़ेगा, यहीं पे लिख दे रहे रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी,
तो लाइन और बड़ा हो गया और आपको छापना नहीं पड़ा, आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, आपको सिर्फ ये वाला फिलअप करना है पार्ट एग्जाम में। क्या क्या फिलअप करना है बताइए, मिनट्स ऑफ एजी है, जैसे इंग्लिश में बोल रहे, मिनट्स ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन इतना तारीख 10 जुलाई एट 10 AM या 11 AM या 12 o'clock कुछ भी है, ऑन मंडे एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज गिवन। बस हो गया, अब यहाँ उसके बाद मिनट लिखना शुरू, सिंपल सा स्टडी। आपको लिखने का स्टाइल, आपका कॉलेज में ये सब चीज़ हुआ था नहीं हुआ होगा, बस समझे, क्योंकि वो लोग को बस एग्जाम लेना है खाली, बस समझे। देखिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वो लोग को मतलब ही नहीं बच्चा क्या पढ़ा, और देखिए सीयू का क्या है, पढ़ाता कुछ नहीं लेकिन एग्जाम पूरा एकदम यूपीएससी लेवल का लेगा, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है ना जिसे क्वेश्चन नहीं देगा, बस अब इतना पढ़ने के बाद भी मिनट, अभी रिपोर्ट बाकी है पढ़ाना, तो रिपोर्ट से क्वेश्चन देगा सर, एक एक दिन का टॉपिक है तो बीच बीच में इसको करते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको डेटा दे दिया, कंपनी इज गिवन, उसके बाद कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले ना सबसे पहले लिखा जाता है मेंबर्स प्रेजेंट, मेंबर्स क्या बाबू प्रेजेंट, मेंबर्स पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिएगा, देखने में सुंदर लगेगा एग्जाम। मेंबर्स प्रेजेंट, 5-6 आदमी का नाम लिख दीजिए, 5-6 आदमी का नाम लिख दीजिए, जो भी दोस्त यार का अपना नाम लिख दीजिए, 5-6 नाम लिख के एक दो आदमी का नाम का बगल में ना पोस्ट लिख दीजिए, जैसे किसी को बना दीजिएगा चेयरमैन, चेयरमैन, किसी को बना दिए सेक्रेटरी, क्या बना दिया वो सेक्रेटरी, इस तरह से पोस्ट बना दीजिएगा, ये लिखने का तरीका होता है, बात समझे ना। अब आप बहुत ज़्यादा अच्छा लिखेंगे तो 6-7 मार्क्स वो लोग देगा, बहुत ज़्यादा अच्छा अगर यूनिवर्सिटी का, लेकिन 6-7 मार्क्स बहुत मैटर करता है, क्या कि वो जो आंसर्स वाला पार्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन का, वो आप पूरा भी लिखेंगे तो 6-7 मिला के नहीं देगा, उधर पूरा थ्योरी वाला पार्ट 20 मार्क्स का है, ड्राफ्टिंग 20 मार्क्स का है, 20-20 कितना हो गया 40, तो पूरा थ्योरी पूरा कितना भी अच्छा से लिखेगा ना 2 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स देगा, मिला के देगा। अब उससे अच्छा ये है कम से कम एक ड्राफ्टिंग करके तो 6 मार्क्स मिल जा रहा, और टाइम आप देख ही लिए होंगे एग्जाम का रूटीन कितना अच्छा रूटीन दिया आप लोगों, 2 घंटा मिला बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, बात समझे ना, फुल आप लोगों को तो टाइम इस बार इस जब से आप पढ़ रहे हैं इस सेमेस्टर में आपको सबसे ज़्यादा टाइम मिला, इतना ज़्यादा टाइम मिल गया पढ़ाई के लिए, और क्या चाहिए। बस अभी भी अगर आप नहीं पढ़ पाओगे और अभी भी आप पास नहीं हो पाओगे तो फिर पढ़ना व्यर्थ, क्योंकि बात को समझिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बच्चा 4-5 महीना पढ़ाई करके एक तो छोटा सा यूनिवर्सिटी का एग्जाम अगर हम लोग पास नहीं कर पाएंगे तो हम लोग का पढ़ना व्यर्थ होगा, फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ के एडमिट कार्ड जमा दे दीजिए, क्या कि आप सोचो ना इतना टाइम आपको मिल गया और क्या चाहिए, एक बहुत काफ़ी टाइम मिल गया, क्योंकि एग्जाम तो अगस्त में ही होने का बात था, देखिए अगस्त लास्ट चला गया, सितंबर में चला गया एग्जाम, और सबसे अच्छा गैपिंग भी देखिए ना इस बार कितना कितना मिला है, स्टार्टिंग का 2 एग्जाम में आसपास में दोनों थ्योरी है, और उसके लास्ट कॉस्टिंग के लिए आपको 10 दिन मिल गया, आराम से जो पढ़ा हुआ रहिएगा सब जाके 10 दिन में रिविजन मारते रहिए, फुल मौज है, तो इस बार फेल होने का कोई संभावना ही नहीं है। मेंबर्स प्रेजेंट, उसके बाद इधर ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो गया बाबू, मेंबर्स प्रेजेंट, मेंबर्स प्रेजेंट लिख दिए कि कौन कौन लोग मीटिंग में थे, उसके 2-3 देखो क्या है ना, ऊपर का 2-3 पार्ट और नीचे का 3-2-3 पॉइंट्स, वो कॉमन पॉइंट है जो आपको हम बता सकते हैं, लेकिन बीच का 2-3 पॉइंट आपको लिखना पड़ता है, बीच का 2-3 पॉइंट के लिए आपको हम PDF भेजेंगे, उससे आपको पढ़ना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि अलग अलग मीटिंग के हिसाब से अलग अलग चीज़ होता है, उसमें भी आपको हम 2-3 बात कॉमन बता देंगे लेकिन वो आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए पहले मेंबर्स प्रेजेंट, तो मेंबर्स प्रेजेंट में 3-4-5 आदमी का नाम, 4-5 आदमी का नाम लिखेगा, 10 नाम ही लिख के बोल दिया इतना बड़ा आंसर लिख दिया, मार्क्स मिलेगा नहीं, 4-5 आदमी का नाम लिख दीजिएगा, नाम लिख के उसका पोस्ट लिख दीजिएगा, सुंदर लगेगा देखने में, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। उसके बाद दूसरा में लिखिएगा नोटिस ऑफ द मीटिंग, नोटिस ऑफ द क्या बाबू मीटिंग, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग हो, ये सब कॉमन पॉइंट है, नोटिस ऑफ द मीटिंग, इसका मतलब हुआ कि मीटिंग का जो नोटिस है उसको हम लोग पढ़ें, नोटिस ऑफ द मीटिंग वॉज रेड, अच्छा जो भी लिखिएगा ना पास्ट टेंस में लिखिएगा, नोटिस ऑफ द मीटिंग वॉज रेड, विडम्बना ये है कि रीड का फर्स्ट फॉर्म क्या है रीड, सेकंड फॉर्म क्या है रेड, थर्ड फॉर्म क्या है रेड, खाली उच्चारण चेंज होता है, स्पेलिंग वही, इसीलिए आप RED रेड मत लिख दीजिएगा, लाल वाला रेड, बस समझ रहे ना, RED ही उसका स्पेलिंग है लेकिन उसका उच्चारण क्या होता है रेड, तो यहाँ पे जो भी लिखिएगा पास्ट टेंस में लिखिएगा, नोटिस ऑफ द मीटिंग में क्या लिखा जाता है वो पहले आपको बता देते हैं, आप किसी भी इंग्लिश में लिख सकते हो, नोटिस ऑफ द मीटिंग में ये लिखा जाता है कि मीटिंग का जो नोटिस था उसको सेक्रेटरी रीडिंग किया, मीटिंग जैसे मीटिंग स्टार्ट होता है ना, जैसे मीटिंग स्टार्ट होगा तो पहले क्या होगा कौन कौन आदमी आया था देख लीजिए, सब आदमी आया, उसके बाद मीटिंग में उसमें से कोई एक आदमी क्या करेगा तो मीटिंग का जो नोटिस है उसको रीड करेगा, रीड करेगा मतलब बोलेगा कि भाई ये नोटिस में, क्योंकि मीटिंग का नोटिस क्यों रीड किया जाता है ये बताने के लिए कि ये सब चीज़ आपका एजेंडा है, मतलब ये सब चीज़ आप डिस्कस करने के लिए आज मिले हो, हम लोग आप लोग के लिए मीटिंग क्या है, जस्ट अ इनफॉर्मल गैदरिंग, हम लोग आप लोग के लिए मीटिंग मतलब इनफॉर्मल गैदरिंग, हम लोग आप लोग के लिए मीटिंग मतलब मिलन, मिलन में और मीटिंग में फर्क हो गया, मीटिंग इज समथिंग फॉर्मल है, मिलन इज समथिंग इनफॉर्मल, मिलन हो रहा है आपका, बस समझे ना, बरसात का मौसम में तनाई के आलम में तो वो मिलन आता है, वो मीटिंग में होता है, अब मीटिंग के लिए क्या होता है ये तो एक सिस्टम है, पैटर्न है, एक तरीका है,
उस तरीका से ही मीटिंग होगा। मीटिंग में पहले से एजेंडा दिया रहता है, जैसे कोई सीएम पीएम कोई भी स्टेट का जो होता है वो लोग का जो मीटिंग होता है, लोग एक एक मिनट का बहुत वैल्यू पहले से डिसाइडेड रहता है कि इतना बजे का देखोगे, कभी ममता दीदी का ही जो रैली वैली होता है या मोदी जी का रैली होता है देखोगे, दो बजे टाइम बोला मतलब दो बजे वो उनको आना है यहाँ पे, क्या उसका 3:30 बजे फिर कहीं और फंक्शन है, 4 बजे कहीं और फंक्शन है, 5 बजे कहीं और फंक्शन है। तो लाइफ ऐसे ही चलता है, कंपनी में भी ऐसे होता है, एक एक चीज़ नोटिस में लिखा रहता है, तो नोटिस में जो एजेंडा रहता है उसको सेक्रेटरी पढ़ के सुनाता है कि ये मीटिंग आज हो रहा है और इसका ये सारा मकसद है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे सर, हम लोग ये लिखेंगे द नोटिस ऑफ द मीटिंग वॉज रीड बाय द सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का ही काम है सर, सेक्रेटरी जो लोग होते हैं ना कंपनी के, कंपनी के सेक्रेटरी मतलब समझ रहे, जनरली जो लोग सीएस का पढ़ाई करते हैं समझे ना, उन लोग को इस सब चीज़ का नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ड्राफ्टिंग वाटिंग का नॉलेज उन लोग को बहुत अच्छा रहता है। तो सेक्रेटरी ने मिनट को पढ़ा, सॉरी नोटिस को पढ़ा, पास्ट टेंस में लिख दीजिए, द नोटिस ऑफ द मीटिंग वॉज रीड बाय द सेक्रेटरी, एक लाइन कंप्लीट। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होगा बताइए, कंफर्मेशन, कंफर्मेशन ऑफ मिनट, कंफर्मेशन ऑफ मिनट माने की है, कंफर्मेशन ऑफ मिनट का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि इस मीटिंग में पिछला मीटिंग का जो मिनट बना होगा उसको पढ़ा जाता है। इस मीटिंग में पिछला मीटिंग का जो मिनट बना होगा उसको क्या कहता है, वो पढ़ा जाता है। जैसे पिछला मीटिंग हुआ, पिछला मीटिंग का भी तो मिनट बना होगा, तो मिनट तो मीटिंग बनने के बाद होता है, मीटिंग होने के बाद बनता है, मीटिंग होने के बाद ना मिनट बनता है, तो मीटिंग हो गया उसके बाद मिनट बना होगा, तो वो मिनट को हम लोग इस मीटिंग में कंफर्म करते हैं कि मिनट में जो जो चीज़ बोला हुआ है वो सारा चीज़ सही है या फिर नहीं है। मतलब इस मीटिंग में पिछला मीटिंग का मिनट पढ़ेंगे और अगला मीटिंग में इस मीटिंग का मिनट पढ़ेंगे। तो मिनट इसलिए पढ़ा जाता है जिससे कि हम लोग ये देख सके कि लास्ट मीटिंग में जो मिनट बना था वो मिनट सही है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए नहीं समझ आएगा तो पॉइंट नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे ये लिखेंगे कि द मिनट बुक, द मिनट ऑफ लास्ट मीटिंग वॉज रीड एंड इट वॉज कन्फर्म्ड बाई ऑल द मेम्बर्स यूनैनिमसली। यूनैनिमसली का मतलब होता है एक साथ, जब एक साथ सारे लोग एक ही चीज़ पे डिसाइड करोगे इसको बोलते हैं यूनैनिमस डिसीजन। यूनैनिमस डिसीजन मतलब नो कॉन्ट्रोवर्सीज, कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। जैसे लास्ट मीटिंग का मिनट पढ़ा गया और लास्ट मीटिंग का मिनट पढ़ने के बाद एवरीबडी कन्फर्म दैट दिस इज़ गुड, दिस इज़ राइट, दिस इज़ ट्रू, तो ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसको लिखेंगे कैसे, द मिनट ऑफ लास्ट मीटिंग वॉज रेड आउट बाई द सेक्रेटरी एंड इट वॉज कन्फर्म बाई ऑल द मेम्बर्स यूनैनिमसली। सारे मेंबर्स ने एक साथ कहा कि ये सही है, मिनट में कोई गलती नहीं है, जो भी आप बोल रहे हो ये सब सही मीटिंग में हुआ था। इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन ऑफ मिनट। कोई भी मीटिंग का मिनट लिखिएगा, ये तो कन्फर्म रही, सब आप हम रेडीमेड पॉइंट्स दे रहे जिससे आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा बस। लेकिन यही जो देखो अभी हम इसके बारे में बताएं, लिखना तो आपको पड़ेगा, हम आपको लैंग्वेज दे सकते हैं लेकिन क्योंकि ड्राफ्टिंग है ना, राइटिंग स्किल है, जस्ट वर्ड के हिसाब से लिखना पड़ेगा आपको। उसका देखिए 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, अब मीटिंग के हिसाब से अलग अलग होता है। बोर्ड मीटिंग में अलग चीज़ डिस्कस होता है, बोर्ड मीटिंग में कौन आते हैं बताइए, डायरेक्टर्स। बोर्ड मीटिंग में कौन लोग आते हैं बताइए, डायरेक्टर्स। आर बोर्ड जनरल मीटिंग में कौन लोग आते हैं, शेयर होल्डर्स। बोर्ड मीटिंग में कौन आता है बताइए, बोर्ड मीटिंग में शेयर होल्डर आता है, डायरेक्टर्स आता है। और जनरल मीटिंग में बताइए, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर, बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर। उसके बाद 4, 5, 6, 2, 3 आइटम अभी बुक का पीडीएफ आपको देंगे, उससे रीडिंग भी करके समझा देंगे, 2-3 आइटम वहाँ से लिख दीजिएगा बस, समझे ना। जैसे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ मान लीजिए कंपनी में, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ का मतलब क्या हो गया कि कंपनी में मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम लोग प्रॉफिट बांटेंगे। तो आपको इसका इसको लिखना कैसे है, इसको लिखेंगे कैसे, तो इसका लैंग्वेज ऐसे, कोई भी डिसीजन जो पास होता है ना, कोई भी डिसीजन जो मिनट में मीटिंग में पास होगा उसका लैंग्वेज होता है रिजॉल्व दैट। क्या होता है बताइए, कोई भी डिसीजन अगर पास करिएगा तो उसका क्या लिखिएगा बताइए, रिजॉल्व दैट। क्या लिखिएगा बताइए, रिजॉल्व दैट द डिविडेंड वॉज डिक्लेयर्ड। अगर मानिए बैंक को एक नया बैंक बना, बैंक में अकाउंट खोले, मीटिंग में डिसीजन हुआ कि पहले हम लोग का पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट था, हम लोग SBI में अकाउंट खोलेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, रिजॉल्व दैट द अकाउंट बैलेंसेज विल बी शिफ्टेड टू या विल बी ट्रांसफर्ड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो भी लिखिएगा वो पास्ट टेंस में लिखिएगा, और जब भी कोई डिसीजन पास होगा तो उसको कैसे लिखिएगा बताइए, रिजॉल्व दैट। क्या लिखिएगा बोलिए, रिजॉल्व दैट, RESOLVED, रिजॉल्व दैट। अभी आपको PDF देंगे उसमें लिखा होगा, देखिएगा, तो रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व क्या बाबू, दैट।
रिजॉल्व दैट मतलब क्या क्या हुआ मीटिंग में, जो भी लिखेंगे आप पास्ट टेंस में लिखेंगे, जो भी लिखेंगे कहाँ लिखेंगे बताइए पास्ट टेंस। भूल से भी अगर आप फ्यूचर टेंस लिख देंगे तो पूरा गलत है, टीचर कार्ड देख, भूल से भी अगर आप फ्यूचर टेंस लिख दीजिएगा तो पूरा मार्क्स कट जाएगा, याद रखिएगा। राइटिंग स्किल बहुत सेंसिटिव होता है, समझना पड़ेगा आप। उसके बाद 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर कुछ कॉमन पॉइंट्स है, 7 नंबर 8 नंबर और कितना नंबर हुआ बताइए, 9 नंबर। देखिए 7 8 और क्या बाबू 9। 7 नंबर में पॉइंट क्या होगा, मिसलेनियस इफ एनी, इसका मतलब हुआ इसके बारे में क्या लिखेगा, सम अदर स्मॉल मैटर्स हैड बीन डिस्कस्ड, सम अदर्स स्मॉल मैटर्स हैड बीन डिस्कस्ड, कुछ और भी छोटा मोटा आइटम्स को हम लोग डिस्कस किए, ये लिख दीजिएगा। उसके लिखिएगा वोट ऑफ थैंक्स टू चेयर, वोट ऑफ थैंक्स टू चेयर। अब इसमें क्या लिखिएगा बताइए, द मीटिंग वॉज एंडेड बाई सेइंग थैंक्स टू द चेयरमैन, मीटिंग खत्म हो गया चेयरमैन को थैंक यू बोल गए। ये पूरा जो बनाया आपने यही होता है मिनट का फॉर्मेट, किसका फॉर्मेट होता है बताइए, मिनट। जब भी आप मिनट बुक बनाइएगा तो ये फॉर्मेट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उतारिए इसको, इसमें से देखिए ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट सब तो बताइए, सिर्फ 2-3 पॉइंट आपको पढ़ना है। बाबू देखिए एक पीडीएफ आपको भेजते हैं, एक बार पीडीएफ रीडिंग कर देंगे तो आपको समझने में सुविधा होगा। देखिए भेजाओ पीडीएफ, पहले ही भेजाओ, देखिए देखिए कल नहीं परसों इसका क्लास हुआ था। देखिए रेडी स्टार्ट करिए। देखिए दो एक क्वेश्चन दिया हुआ है पीडीएफ में, देखिए मिनट्स ऑफ द एजीएम सब कुछ लिख दिया अच्छे से। उसके बाद देखिए क्या बोला है, मिनट्स ऑफ द 22nd एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ सनफ्लावर लिमिटेड हेल्ड ऑन वेडनेसडे 19th अप्रैल एट 4 PM एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ये वो लोग का अपना स्टाइल है, हम लोग अपना स्टाइल है लिखने का। उसके बाद देखिए मेंबर्स प्रेजेंट, बहु ये लोग तो 8-9 आदमी का नाम लिखा, उतना मत लिखिएगा तो पेपर नाम से ही भर जाएगा। उसके बाद नोटिस ऑफ द मीटिंग क्या क्या लिखा हुआ एक बार रीडिंग कर दे रहे हैं आपके लिए, द सेक्रेटरी रेड द नोटिस ऑफ द मीटिंग कन्वेनिंग द मीटिंग, मीटिंग से रिलेटेड जो नोटिस था उसको सेक्रेटरी पढ़ा। तीसरा कंफर्मेशन ऑफ द मिनट ऑफ द लास्ट मीटिंग, द मिनट ऑफ द लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग वॉज रीड आउट बाय द सेक्रेटरी वॉज ड्यूली कन्फर्म बाय द मीटिंग एंड वॉज ड्यूली साइन बाय द चेयरमैन, सारे लोग पढ़े और चेयरमैन उसको साइन किया पिछला मीटिंग का जो मिनट था। ये तीन तो कॉमन पॉइंट है, सब में लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो बीच में देख रहे हैं इतना सारा बात लिखा हुआ, आप इतना सारा बात मत लिखना, आप उसमें से कोई भी 2-3 बात याद कर लेना। जैसे जनरल मीटिंग में क्या क्या हुआ, कोई डायरेक्टर को रिमूव किए, जैसे रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, तो इसको लिखेंगे कैसे, रिजॉल्व दैट मिस्टर राहुल वॉज रिमूव्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मिस्टर राहुल को डायरेक्टर के रूप में कंपनी से रिमूव कर दिए। आदमी का नाम लिख लीजिएगा, आदमी का नाम लिख के जो हुआ वो लिख दीजिएगा, उतना लंबा चौड़ा बुक लोग का तरह लिखने का दरकार नहीं है, तब तो 2-3 पन्ना लग जाएगा, बस समझिए। उसके बाद कोई नया मान लीजिए आदमी को ऑडिटर बनाए, तो रिजॉल्व दैट एक्स वाई जेड कैसे, हाँ एक एक लाइन करके लिखिएगा, रिजॉल्व दैट एक्स वाई जेड वॉज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी।
आपको हम क्या बोले, लैंग्वेज कोई आपको नहीं दे सकता, लैंग्वेज इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, वो आपको खुद सीखना होगा। हम आपको राइटिंग स्किल का एक तरीका बता सकते हैं, लेकिन लिखना तो आपको ही पड़ेगा। अगर ये किताब वाला आप याद भी कर लोगे तो आप लिख नहीं पाओगे इतना लंबा, बस नहीं, क्योंकि लिखना आपको वही पड़ेगा जो आप समझ के जा रहे हो। तो कॉन्सेप्ट को समझिए और बना के लिख के आइएगा। उसके देखिए, जैसे बोला फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, ये एक तो पॉइंट हो गया, बना के लिख दिए कि रिजॉल्व दैट 4-5,000 शेयर्स हैड बीन इशूड एट द रेट रुपीज़ इतना करके, मतलब कोई दो तीन टो मैटर जो है रीडिंग मार लीजिएगा, 20 से दो तीन टो मैटर याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, मिसलेनियस इफ एनी नो स्पेशल आइटम वॉज रेज एंड डिस्कस, बोला कोई और स्पेशल आइटम डिस्कस नहीं हुआ। ये लोग लिखा, हम लोग क्या लिखाए थे, हम लोग क्या बोले थे कि सम स्मॉल मैटर्स हैड बीन डिस्कस, यहाँ पर कोई ऐसा स्पेशल या अदर आइटम डिस्कस नहीं हुआ। लास्ट ईयर वोट ऑफ थैंक्स, द मीटिंग एंडेड विद अ हार्टली और हार्टी वोट ऑफ थैंक्स टू द चेयर, चेयरमैन को दिल से थैंक यू बोल करके मीटिंग को हम लोग क्या कर दिए, खत्म। तो ये एक तरीका हो गया। तो ये हमेशा किस में आएगा बताइए, पास्ट टेंस में, कौन सा टेंस बताइए, पास्ट टेंस में। अब आइए और एक तो नीचे सैंपल दिया हुआ, देखिए उसको, वो बोर्ड मीटिंग का है। तो बोर्ड मीटिंग में क्या लिखा हुआ है, बोर्ड मीटिंग में मेंबर्स प्रेजेंट नहीं लिख करके क्या लिखना उचित रहेगा, डायरेक्टर्स प्रेजेंट। बोर्ड मीटिंग में मेंबर्स प्रेजेंट ना लिख करके क्या लिखना सही रहेगा बोलो, डायरेक्टर्स प्रेजेंट। कौन कौन डायरेक्टर प्रेजेंट था मीटिंग, नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद कन्फर्मेशन, वही नोटिस ऑफ द मीटिंग लिखिएगा, उसके बाद कन्फर्मेशन ऑफ द मीटिंग लिखिएगा, उसके बाद फॉरफीचर ऑफ शेयर, शेयर का फॉरफीचर, और फॉरफीचर समझते क्या होता है, मीनिंग नहीं समझिए तो नहीं लिख पाएगा। फॉरफीचर का मतलब होता है जब कोई आदमी पैसा नहीं दे पाता उसका शेयर को हम लोग छीन लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फॉरफीचर। तो किसका शेयर, कितना शेयर को फॉरफिट किए वो लिख दीजिएगा। कैसे लिखिएगा, रिजॉल्व दैट 200 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच हैड बीन फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। रिजॉल्व हुआ कि 200 शेयर का हम लोग कैंसिल करेंगे, काहे कैंसिल करेंगे, क्योंकि कॉल का पैसा नहीं मिला। जो PDF आपको भेजते हैं वो याद करने के लिए नहीं भेजते हैं, रीडिंग करने के लिए भेजते हैं। उसको रीडिंग करिएगा, फॉर्मेट मेरा वाला लीजिएगा, दोनों को मिक्स करिएगा, घर में बैठ के लिखिएगा, तब जाकर के राइटिंग स्किल इंप्रूव होगा आपका। आप सोचोगे डायरेक्ट जाके एग्जाम में लिखेंगे तो बहुत सारा गलती हो जाएगा, इसलिए मिस्टेक्स आप कर दोगे। अगला, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है, डिबेंचर का पैसा वापस किए, डिबेंचर मतलब क्या पढ़ाए थे लोन। तो रिजॉल्व दैट 400 डिबेंचर, 500 डिबेंचर हैड बीन रिडीम्ड, रिडीम्ड मतलब पैसा इसका वापस कर दिया गया। उसके बाद मिसलेनियस इफ एनी, मिसलेनियस इफ एनी मतलब कोई अगर स्पेशल आइटम डिस्कस किए तो लिख देना। तो देखिए यहाँ भी वो बात, नो स्पेशल पॉइंट हैज बीन रेज एंड डिस्कस, कोई स्पेशल आइटम डिस्कस नहीं है, कोई अलग से कोई आइटम डिस्कस नहीं किए। लास्ट है डेट ऑफ नेक्स्ट मीटिंग, इस मीटिंग में ना अगला मीटिंग का डेट फाइनल हो जाता है, जैसे बंगाल बोर्ड का रूल है, बंगाल बोर्ड में रिजल्ट निकलता है ना उच्च माध्यमिक का, तो उसी दिन अगला उच्च माध्यमिक कब होगा उसका डेट अनाउंस कर दिया जाता है, बस समझिए। यहाँ पर भी वही बात है, लिख दीजिएगा द डेट ऑफ नेक्स्ट मीटिंग वॉज फिक्स्ड ऑन इतना तारीख या इतना तारीख, देख। लास्ट है वोट ऑफ थैंक्स, द मीटिंग एंडेड विद द वोट ऑफ थैंक्स टू द चेयर, मीटिंग खत्म हो गया सबको थैंक यू बोल करके। सवाल यही है माय डियर स्टूडेंट कि मिनट कैसे लिखेंगे। और देखिए जितना चीज़ आपको मिनट पढ़ाए, लेटर पढ़ाए हैं, नोटिस पढ़ाए हैं, सर्कुलर पढ़ाए हैं, सबका आपको PDF दिया, आप क्या करिएगा फॉर्मेट मेरा वाला आप कॉन्सेप्ट पहले क्या करिएगा PDF से रीडिंग मार लीजिएगा, उसके बाद घर में बैठ के ना लिखिएगा, देख देख के ही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो लिख लीजिएगा ना तो वो कन्फर्म हो गया, लिख लेंगे तो फिर वो कन्फर्म हो गया, और नहीं लिखेंगे तो फिर आपके एग्जाम में बहुत दिक्कत होगा। अगर अचानक से एग्जाम में लिखिएगा पैराशूट लैंडिंग टाइप, पैराशूट लैंडिंग समझते हैं ना, अचानक से उड़ के आ गया, तो अचानक से एग्जाम में लिखने जाइएगा आप पूरा लास्ट तक पहुँच भी नहीं पाइएगा, आपको ना समझ ही नहीं आएगा लैंग्वेज क्या हो, क्योंकि ये पेपर आपको non-MCQ है। क्या है बाबू बताइए, non-MCQ, ये आपको एग्जाम में लिख के दिखाना होगा। क्लियर है गाइस, समझ गया ना सारा बात कैसे करना है। तो इसको प्लीज़ आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा।